यहां पर रियल नंबर से बिलोंग करता है। अच्छा, रियल नंबर में तो सब आ जाता है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सबका सब रियल नंबर में शामिल है, राइट? तब यहां पर सबसे पहले 3x को उठा के यहां लाते हैं और 6 को उठा के वहां लेके जाते हैं, तो 3x यहां के माइनस में हो गया, 6 वहां जाके प्लस में हो गया। 7x माइनस 3x 4x इज ग्रेटर देन 10 प्लस 6 16। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 16 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? सो हम ये कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट करें तो मिड में तो 0 आ गया, और यहां पर अब छोटा ही नंबर है तो आप पूरी गिनती लिख लें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और लेफ्ट में भी -1 -2 एंड सो ऑन, क्योंकि माइनस नंबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो असल में तो हमें नंबर लाइन को राइट साइड पर ही देखना है। अब हमें पता है x इज ग्रेटर देन 4, तो बताइए दायरा या डॉट कहां लगाऊं, किसके ऊपर, किस नंबर के ऊपर लगेगा दायरा या डॉट? 4 के ऊपर लगेगा। अब 4 के ऊपर मैंने कहा दायरा या डॉट लगेगा, तो ये भी बता दीजिए दायरा लगेगा या डॉट लगेगा? एक्सीलेंट, बिल्कुल यही बात है। यहां पर x इज ग्रेटर देन 4 है, मतलब x की काउंटिंग 4 से नहीं है, x की वैल्यू 4 से नहीं है, x की वैल्यू 4 के आगे से है, और क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग करता है इसलिए x की वैल्यू शुरू होती है 4.0000001, या और भी ज्यादा 0 लगा दे 1, यानी कि 4 को जरा सा भी आप बड़ा कर देना अगर तो वो x की वैल्यू में इन है, मगर 4 x की वैल्यूज में शामिल नहीं है। तो हमें 4 के ऊपर एक ऐसा सिंबल लगाना है जिसको देखकर हर कोई समझ जाए कि 4 जवाब में शामिल नहीं है। अब यह बताने के लिए कि नीचे लिखा हुआ नंबर शामिल नहीं है, हम डॉट लगा दें, सर्किल, 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 क्योंकि उसके अंदर कलर नहीं होता, वो खाली होता है, इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ नंबर है वो भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। तो 4 के ऊपर लगेगा सर्किल, ना के डॉट। अगर आपने 4 पे यहां पर ऊपर कलर्ड सर्किल बना दिया, शेडेड सर्किल बना दिया, तो फिर देखने वाले को ये एक मैसेज जाएगा कि 4 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, 4 इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x, जबकि आप देख सकते हैं यहां पे साफ सब लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 4, x 4 से बड़ा है, मतलब x 4 के बराबर नहीं है, और वो उस वक्त होता है जब यहां पर नीचे इक्वल्स टू का भी साइन होता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि नीचे एक लाइन भी होती, तब आप कहते कि 4 भी x की वैल्यू है, मगर 4 x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यूज 4 के बाद से शुरू होती हैं, यानी कि 4 को हमें इंक्लूड नहीं करना, और अगर 4 को इंक्लूड नहीं करना तो सर्किल या दायरे में कलर भी नहीं करना, ठीक है? अगर आपने सर्किल में कलर कर दिया तो ये डॉट बन जाएगा, और डॉट बनने का मतलब होगा 4 भी क्या हो जाएगा, डॉट किस बात का सिग्नल है, डॉट किस बात का मैसेज है, कि डॉट के नीचे लिखा हुआ नंबर भी x की वैल्यू है, और हम जानते हैं 4 x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 4, इसलिए यहां पे सर्किल बनेगा, और आगे ऐसे एरो डाल के आप छोड़ दें जिससे समझ आएगा कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है। y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब ये कि ये जो y है इसकी वैल्यूज पॉइंट में नहीं है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं, आप देख रहे हैं ना 10 यहां डिवाइड कर रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, 20 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इससे पहले कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, क्या मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करते हुए 10 और 20 को कैंसिल ही कर सकता, 10 वन जा 10 एंड 10 टू जा 20, ठीक, क्योंकि 20 इधर डिवाइड कर रहा है, 10 भी इधर डिवाइड कर रहा है, तो 20 यहां डिनोमिनेटर है, अगर मैं 20 को वहां शिफ्ट कर देता तो वहां जाके 20 क्या बन जाता, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाता, कैंसिल ही होता ना, तो अभी से कर दिया। अब क्या बचा इसके कैंसिल करने के बाद, y प्लस 5 डिवाइड बाय 2 लेस देन 25 माइनस 4y, अब 2 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो y प्लस 5 इज लेस देन 2 इंटू 25 माइनस 4y, उसके बाद y प्लस 5 एज इट इज, लेस देन का साइन एज इट इज, 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 25 50 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8।
अब वाई को वाई के पास ले जाइए, नंबर को नंबर के पास, तो 8y जो यहां माइनस में है यहां अगर किसमें हो जाएगा प्लस में, और 5 जो इधर प्लस में है वहां पे जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, और 50 इसको वेलकम करेगा, वेलकम टू राइट हैंड साइड, 50 - 5 y plus 8y क्या हो जाएगा 9y, 9y is less than 50 - 5 45, और फिर 9 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 45 को क्या करेगा डिवाइड, y is less than 9 × 5 = 45 होता है, तो 5 आ गया, मतलब y is less than 5, इस बार y की वैल्यूज 5 से छोटी हैं बड़ी हैं, छोटी हैं, तो आप ये देखिए नंबर लाइन मिड में जीरो आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव में वैल्यूज है -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ये देखिए 5 के ऊपर आ गया सर्किल छोटा सा, और एरो किस तरफ लगेगा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर, एरो ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, क्योंकि y की वैल्यूज 5 से छोटी हैं, और आपको पता है छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पर होती हैं, और जैसे जैसे आप राइट साइड पर जाते हैं वैल्यूज क्या होती जाती हैं बड़ी होती जाती हैं, और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पर आते हैं वैल्यूज क्या होती जाती हैं छोटी होती जाती हैं, इसलिए ये आप लाइन ऐसे लगा के छोड़ दें, तो 5 इज नॉट इंक्लूडेड, और क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो पॉइंट में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर वाई की फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में बहुत आसानी से लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, कि पहली वैल्यू 4 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, डॉट 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 डॉट, ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा, राइट समझ आ गई बात, ठीक है क्लास, इंशाल्लाह फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, और ये बात ध्यान में रखिएगा अब तक हमने उन 2-3 चीजों को डिस्कस नहीं किया जो फर्क है इक्वेशन को सॉल्व करने में और इन इक्वलिटीज को सॉल्व करने में, अब तक हमने उनको डिस्कस नहीं किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।